फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तमन्ना और इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे सांवलेपन को रिड्यूस करके पा सकते हैं बिल्कुल गोरी स्किन। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है इसमें सुंदर, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है ना। तो सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल होता है जो हमारी स्किन को सुंदर तो कम ही बनाता है, हमारी स्किन को पूरा डैमेज कर देता है। दोस्तों पुराने ज़माने में तो ये सब नहीं था, है ना। पुराने ज़माने में तो सभी होम रेमेडीज ही यूज़ करके स्किन, आप देख सकते हो कि आपकी जो मम्मा है उनकी स्किन जो है वो कितनी ब्राइटर होती है, कितनी लाइटर होती है, उनकी स्किन पे कोई भी पिंपल्स नहीं होता। जो आज का ज़माना है हम ज़्यादा केमिकल वाले फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, समय से पहले हमें झुर्रियाँ पड़ने लग पड़ती हैं। तो आज मैं इस होम रेमेडी में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने घर पे ही गोरा होने का नुस्खा जो है वो देख सकते हैं और कैसे आप जो बाज़ार के केमिकल हैं उसको छोड़ के अब होम रेमेडी से ही अपनी स्किन को जो है सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी स्किन थोड़ी डल हो गई है, थोड़ी आपकी स्किन में पिगमेंटेशन हो गई है, अगर आपके स्किन में डी टैन की आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आज का जो ये मेरा DIY है वो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, मन से भी आपको सुंदर होना होता है, ये नहीं है कि अगर आप फेस वॉश लगाओ सुंदर हो जाओ बस। आपका मन सुंदर होना चाहिए, रंग में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपकी स्किन थोड़ी सांवली है तो उसको आप कैसे एक दो शेड लाइटर कर सकते हो, ब्राइटर और सुंदर निखार जो है पा सकते हैं। दोस्तों, इस होम रेमेडी को सभी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी टर्मरिक, पिंच ऑफ टर्मरिक लेनी है आपने, और साथ ही में आपने एक चम्मच लेना है बेसन पाउडर का। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ही बेसन पाउडर लीजिएगा कि जितना एक बार में फिनिश हो जाए। उसके बाद हम लेंगे कर्ड यानी कि दही। अब इन हमने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, बेसन के तो मैंने आपको फ़ायदे पहले भी बताए हैं, बट फिर भी दोबारा बता देती हूँ, जो बेसन होता है वो फेयर स्किन के लिए बेनिफिशियल माना गया है, साथ ही में सन टैन को दूर करता है और जितने भी आपके फेस के डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है और आपको देता है बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन, देता है आपको ग्लोइंग स्किन देता है। अगर आप अकेला बेसन भी यूज़ करो डेली बेस में तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कर्ड के क्या फ़ायदे हैं, तब तक आप देख लीजिएगा साथ ही में कि इसको कैसे लगाना है, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि कर्ड के क्या फ़ायदे होते हैं हमारी स्किन के लिए। दोस्तों जो कर्ड होता है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे फेस की स्किन के लिए, हमारी बॉडी की, इवन कि हमारी जितनी भी बॉडी की स्किन है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कर्ड में विटामिन डी होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है हमारे लिए, और साथ ही में इसमें जिंक प्रॉपर मात्रा में होता है। अब हम फेस वॉश को इस पे फेस पैक को अपने फेस पे लगा लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे, 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि जितने भी डेड सेल्स हैं, स्किन है, जितनी भी गंदगी हमारे स्किन में भरी हुई है वो सारी रिड्यूस हो जाए। इसको सांवली स्किन वाले भी अगर यूज़ करेंगे ना तो उनकी भी जो स्किन है वो एक दो शेड लाइटर, ब्राइटर और सुंदर हो जाएगी। दोस्तों, अच्छी तरह से अब हम इसका फेस पे रबिंग करेंगे धीरे धीरे से। दोस्तों, इसके बाद धोने के बाद आपका फेस है ना इतना सुंदर निकलेगा ना फेस वॉश से। आपको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है, आपको इसको रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करना है। दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे तभी इसका जो है फ़ायदा आपको मिलेगा। आपने इसको रेगुलर 1 मंथ तक यूज़ करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस फेस पैक से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत
ही ज़्यादा बेनिफिशियल फेस पैक है दोस्तों, और बाकी जितना भी फेस पैक बचा है उसको मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। एक थिन सी लेयर, मोटी लेयर जो है, थिक लेयर आपके फेस पे आपको बनानी है इसकी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फेस वॉश कैसा लगा, यूज़ करने के बाद बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आफ्टर इसके लगाने के बाद हम ठंडे पानी से अपना फेस वॉश जो है वो कर लेंगे। दोस्तों अभी ना मैंने अपना फेस जो है अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फेस मैंने अपना अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगाया है। दोस्तों मैं इस होम रेमेडी को ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा केमिकल वाले कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। जो होम रेमेडी या DIYs होते हैं वो आपको धीरे धीरे इफ़ेक्ट देते हैं, बट उनका जो इफ़ेक्ट होता है ना वो आपकी स्किन के लिए हार्श नहीं होता। अगर आपको इसका कोई एडवांटेज ना मिले, वैसे तो मिलता है बट अगर आपको ना मिले तो इसका कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी स्किन भी फ्लॉलेस हो जाएगी। तो आप इस होम रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।